हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। आज के इस वीडियो में हम December 1, 2021 का डेली हिंदी एनालिसिस करेंगे। आज के टॉपिक में हम देखेंगे द जीडीपी विच हैज ग्रोन बाय 8.4% इन क्वार्टर टू, द सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज कमिंग फ्रॉम इकोनॉमिक्स अबाउट द कोर सेक्टर ग्रोथ। सो व्हाट इज दिस कोर सेक्टर, हाउ मेनी सेक्टर्स आर कवर्ड इन द कोर सेक्टर एंड विच सेक्टर्स हैव शोन द ग्रोथ इन द पास्ट टू मंथ, वी आर गोइंग टू सी दैट। उसके बाद वी विल फोकस ऑन क्रिप्टो करेंसीज, बिल पास होने वाला है पार्लियामेंट में, and what are the important provisions of this bill, what is the aim of this bill, and then we will also do a editorial, hum ek editorial bhi dekhenge usse related about the cryptocurrencies, uske problems kya hain aur usko dur karne ke liye hame kya karna chahiye, and then ek health related editorial aaya hai urban local bodies aur rural local bodies ko strengthen karke kaise hum health ke objectives ko attain kar sakte hain, so we are going to see this now. Let's start with the news. So the first important news hai GDP grew by 8.4% in quarter 2, but recovery appears patchy. Now, यहाँ पे पहले हम basic समझ लेते हैं, what is GDP? So, GDP is gross domestic product. Gross domestic product क्या होता है? So, उसका definition है that it is the monetary value of all finished goods and services made within a country during a specific period. ये specific period हम normally 1 year लेते हैं. So, इसके basic term पे हम ध्यान देते हैं. Again, इट इज द मॉनिटरी वैल्यू, कि उसकी वैल्यू क्या है, पैसे में उसकी क्या वैल्यू है, ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड। नाउ व्हाट इज दिस क्वार्टर टू, सो इफ यू विल जस्ट सी अवर फाइनेंशियल ईयर, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है अप टिल 31 मार्च। नाउ दिस होल 1 year इज डिवाइडेड इन टू 4 quarters। तो फर्स्ट क्वार्टर जो होता है इट कंप्राइजेस ऑफ 3 months, अप्रैल, मई एंड जून। सेकेंड क्वार्टर जो है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर होता है। थर्ड क्वार्टर इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड द लास्ट क्वार्टर इज ऑफ द नेक्स्ट ईयर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो यहाँ पर जो हम क्वार्टर टू की बात कर रहे हैं, जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर, तो ये उसकी बात हो रही है। सो इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इट ग्रू बाई 8.4% इन जुलाई टू सेप्टेम्बर क्वार्टर, दैट इज सेकेंड क्वार्टर। अगर हम इसका कंपैरिजन करेंगे लास्ट ईयर से, सो इट वाज लास्ट ईयर इन द सेम क्वार्टर देयर वाज 7.4% कॉन्ट्रैक्शन। एंड अगर हम इकोनॉमी का ग्रोथ अगर ग्रॉस वैल्यू एडिट या जीवीए के रेट में देखेंगे, सो इट इज 8.5%। नाउ विच ऑफ द एजेंसी रिलीजेस द जीडीपी ग्रोथ नंबर, सो इट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। देन द नेक्स्ट इज अबाउट द जीडीपी ग्रोथ, तो अगर हम देखेंगे कि अगर फर्स्ट क्वार्टर मतलब अप्रैल, मई, जून और सेकेंड क्वार्टर का हम अगर दोनों को अगर हम ले लेंगे, तो जो पहला 6 महीना है उसमें जो जीडीपी ग्रोथ है दैट इज 13.7%। व्हाई? बिकॉज द फर्स्ट क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ वाज 20.1%। द नेक्स्ट इज अबाउट द कंसर्न फ्रॉम द इकोनॉमिस्ट, तो इकोनॉमिस्ट जो है दे आर सेइंग दैट दे आर नॉट फुल्ली कन्विंस्ड अबाउट द एक्सटेंट एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ दिस रिकवरी एंड दे हैव रिएक्टेड विद कॉशन। मतलब इकोनॉमिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि मोस्टली जो इंक्रीज हुआ है जीडीपी में इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट। इफ वी लुक एट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इफ वी लुक एट दोज सेक्टर्स विच प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, विच आर एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स, दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग। द नेक्स्ट न्यूज इज मुल्ले पेरियार वाटर, सो मुल्ले पेरियार डैम इट इज़ एन इश्यू बिटवीन 2 states ऑफ इंडिया, तमिलनाडु एंड केरला। अब जो मुल्ले पेरियार डैम है इट इज इन तमिलनाडु, एंड नाउ केरला हैज एक्यूज्ड तमिलनाडु दैट तमिलनाडु ने बिना वार्निंग दिए वाटर रिलीज किया है दैट इज 5,000 क्यूजेक्स ऑफ वाटर इन टू द पेरियार रिवर। पेरियार रिवर के ऊपर ही मुल्ले पेरियार डैम बिल्ट है। पहले भी ये इशू हो चुका है अबाउट द सेफ्टी ऑफ द डैम। तो मेन जो मुल्ले पेरियार का इशू है इट इज़ रिलेटेड टू द सेफ्टी ऑफ द डैम। तो इट इज़ लाइक 124-year-old डैम। केरला सेज दैट दिस डैम इज़ नॉट सेफ एंड इन फ्यूचर अगर ये डैम बर्स्ट कर जाता है so there will be very heavy flooding in low lying area of Kerala, that is Idukki district. So the dam which is in Idukki district of Kerala, it is under the control of Tamil Nadu government. So Kerala ne hamesha se ek position maintain kiya hai ki this dam should be dismantled and a new dam should be constructed, but Tamil Nadu says that safety audits have already been done by the disaster management authorities and the demand and the dam is safe. बट दोनों के बीच में इशू चल रहा था, तो पास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने एक सेफ हाइट डिसाइड किया कि मुल्ले पेरियार डैम में जो वाटर का लेवल होना चाहिए वो 142 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टू सॉल्व द कंसर्न रेज्ड बाय केरला। बट यहाँ पे जो इशू हुआ है
वहाँ पे दूसरा इशू ये है कि एक तो तमिलनाडु ने 5000 क्यूजेक्स का वाटर रिलीज तो किया, साथ साथ में डैम का जो लेवल था वो एकदम मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच गया, डेट इज 142 फीट। दूसरा है अबाउट दी न्यू कोरोना वायरस वेरियंट ऑफ कंसर्न विच इज ओमिक्रॉन, सो विच वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड इन साउथ अफ्रीका। नाउ देर इज अ न्यू इंफॉर्मेशन दैट न्यू कोविड 19 वेरियंट ओमिक्रॉन इट डज नॉट एस्केप द RT-PCR टेस्ट एंड द रेड टेस्ट। वॉट इज RT-PCR टेस्ट? दिस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट और रैपिड एंटीजन टेस्ट। तो ये यूनियन होम मिनिस्ट्री ने कहा है, हमने पहले भी ये न्यूज़ पढ़ा था कि कुछ कंट्रीज ने, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज ने एक हैस्टी डिसीजन लिया है सस्पेंडिंग द ट्रैवलर्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका, सो फ्लाइट्स हैव बीन स्टॉप्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंट्रिंग इनटू यूरोप। बट इंडिया ने इट हैज अडॉप्टेड अ कॉशियस अप्रोच, उन्होंने कहा है कि जो भी उस कंट्री से आ रहे हैं जहाँ पे ओमिक्रॉन वायरस डिटेक्ट हुआ है, दे हैव टू गो अंडर RT-PCR RAT टेस्ट एंड इफ दे आर सिम्टोमेटिक दे विल बी सेंड टू दी मेडिकल फैसिलिटीज। अब यहाँ पे इंडिया में हम देखते हैं कि इंडिया में ऑलरेडी हर घर दस्तक कैंपेन चलाया जा रहा है बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और उसका एम है कि December 31 तक 100% कवरेज हो जाना चाहिए एटलीस्ट फर्स्ट डोज का, और जितना भी बैकलॉग है सेकेंड डोज का वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। द नेक्स्ट इज अबाउट फार्म फायर्स। सो फार्म फायर्स या जिसको हम कहते हैं स्टबल बर्निंग, सो स्टबल बर्निंग ने हैज एडिड 14.6% ऑफ पार्टिकुलेट मैटर 2.5 इन द मंथ ऑफ नवंबर। यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए, एक तो सफर और सेकेंड है कि दिल्ली में पॉल्यूशन के दो सीजन्स होते हैं, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर जनवरी, और इनके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। इन दोनों ही सीजन में पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट वी आर गोइंग टू सी, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो दिल्ली में अगर हम देखेंगे कि हाई एयर पॉल्यूशन दो बार होता है विंटर में, एक अक्टूबर नवंबर का महीना, एक दिसंबर जनवरी का महीना। अक्टूबर नवंबर में जो मेन रीज़न होता है पॉल्यूशन बढ़ने का, इट इज़ स्टबल बर्निंग, ओके। बट अगर हम दिसंबर जनवरी की बात करें तो दिसंबर जनवरी में जो मेन रीजन होता है एयर पॉल्यूशन का वो है इंडो गैंगेटिक प्लेन से जो पॉल्यूटेंट है दे आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड्स इन द NCR रीजन। नाउ कमिंग टू सफर, सफर इसका फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। अब जो सफर है इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट इट इज़ द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। एंड द नेक्स्ट इज दैट इट वॉज डेवलप्ड बाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड इट इज ऑपरेटेड बाई इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इट इज़ अ 24/7 रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब हम इस इशू पे आते हैं, तो अगर हम नवंबर महीने की बात करें, सो द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टबल बर्निंग इन नेबरिंग स्टेट्स रिलेटेड टू PM 2.5 इन दिल्ली वॉज 48% ऑन November 7। अगर हम पूरे महीने की बात करें तो इट वॉज 33.5% ड्यूरिंग द वीक आफ्टर दीपावली। द नेक्स्ट इज पिलग्रिम्स, हियर दे हैव अराइव्ड एट शादीपुरा लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ झेलम रिवर एंड सिंध स्ट्रीम इन पुष्कर फेस्टिवल। तो यहाँ पे जो बात हो रही है ये जम्मू एंड कश्मीर वैली की बात हो रही है, क्योंकि पुष्कर फेस्टिवल एक और होता है जो राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द ओकेशन ऑफ कार्तिक पूर्णिमा। तो ये फेस्टिवल जो है जो राजस्थान में है उसको भी हम पुष्कर मेला कहते हैं। इट इज़ अ लाइव स्टॉक फेस्टिवल, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेशन ऑफ कार्तिक पूर्णिमा। द नेक्स्ट इज उत्तराखंड में एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल बिल था, डेट इज कॉल्ड एज चार धाम देवस्थम बोर्ड एक्ट। ये जो एक्ट था इट ब्रॉट 51 श्राइन्स इंक्लूडिंग बद्रीनाथ एंड केदारनाथ अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड वॉज हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल। जो वहाँ के महंत थे, मंदिरों के महंत थे, वो ये नहीं चाहते थे एंड इट बिकेम अ वेरी डाइसी सिचुएशन इन उत्तराखंड। और जो पास्ट में जो CM चेंज हुए हैं that is also related to the passing of this act. Now the Uttarakhand government has took back this act. यहाँ पे जो important है वो ये है कि चार धाम हम किसे कहते हैं, so चार धाम में we have बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री
यमुनोत्री, देन वी ऑल्सो हैव वन सिख श्राइन कॉल्ड एज हेमकुंड साहिब. द नेक्स्ट इज द न्यू नेवी चीफ एडमिरल हरि कुमार, ही इज गोइंग टू बी आवर न्यू नेवी चीफ. So, Admiral R. Hari Kumar, he took charge as the 25th Chief of Naval Staff from Admiral Karambir Singh, who retired after a 41-year career. Iske pehle, Admiral R. Hari Kumar, he was the Flag Officer Commanding in Chief of the Western Naval Command. Yahan pe, if you will just see, his appointment is very crucial when Navy is in the process of revising the 15-year Maritime Capability Perspective Plan. Now what is this 15-year maritime capability perspective plan? Over here, jo Indian Navy hai, currently it has 130 ships and it aims to acquire around 170 ships by 2027. Earlier jo target tha, it was 200 and now it is 170 ships by 2027. Second jo hai, is plan ko hum integrate karne wale hain, integrated capability development plan. ये जो इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटी डेवलपमेंट प्लान है, इट इज बीइंग फॉर्मेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स. डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जो है, इट इज हेडेड बाय द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. सो हु इज द करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, प्लीज राइट मी इन द कमेंट बॉक्स. नाउ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटी डेवलपमेंट प्लान इज टू मेक अ प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर इजियर इन डिफेंस सो दैट द इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड कैन बी क्रिएटेड. इंडिया में इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है, ये कारगिल वॉर के बाद इसकी जरूरत को समझा गया था. तो ओवर हियर देयर आर टू इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड इन इंडिया करेंटली. वन इज अंडमान एंड निकोबार थिएटर विच केम अप इन 2001 एंड द सेकंड इज स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड विच केम अप इन 2003. अभी एयर फोर्स कमांड की बात चल रही है, विच कैन उसका ब्लू प्रिंट तैयार हो रहा है, विच कैन बी एग्जीक्यूटेड बाई द नेक्स्ट ईयर. The next is Basil Rajapaksa to meet Prime Minister Modi. So this you have to see in the context of India-Sri Lanka foreign relation. So agar hum India-Sri Lanka ki baat kare, to past kuch mahino mein humne padha hai about the West Coast Terminal and East Coast Terminal. So India, Japan and Sri Lanka, they were to develop jointly the East Coast Terminal. But later on, Sri Lanka unilaterally backed out of this project. एंड इन रिटर्न ईस्ट कोस्ट टर्मिनल की जगह पे वेस्ट कोस्ट टर्मिनल दिया गया था टू इंडिया फॉर डेवलप, विच इज बीन डेवलप्ड बाय अडानी ग्रुप. उसके बाद हमने रिसेंटली एक न्यूज़ पढ़ा है कि द श्रीलंकन कैबिनेट हैज़ क्लियर द चाइनीज कंपनीज इन्वेस्टमेंट इन डेवलपमेंट ऑफ ईस्ट कोस्ट टर्मिनल. सेकेंड इज अबाउट आर्टिकल 13th अमेंडमेंट एंड 16th अमेंडमेंट. सो इंडिया इज आस्किंग श्रीलंका टू होल्ड द प्रोविंशियल इलेक्शंस एज अर्ली एज पॉसिबल. देयर आर फियर्स कि वहाँ पे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा. And there are issues related to Tamil rights, which we have discussed in the past videos also. So, इस background में Basil Rajapaksa जो हैं वो Prime Minister Modi से मिलेंगे. तो जो इनका objective होगा वो mainly होगा economic assistance from India by way of investment, enhanced tourist exchanges. तो अगर हम देखेंगे कि COVID-19 का क्या impact पड़ा है श्रीलंका पे, so this draining of foreign reserves, falling rupee श्रीलंका का, then soaring living cost and growing fear of food shortage. So ये भी हम न्यूज़ जानते हैं कि श्रीलंका earlier tried to promote the organic farming. Later on it has withdrawn that proposal and now farmers have been allowed to buy the chemical inorganic fertilizers or chemical fertilizer. The next is about the new crypto bill. So here Union Finance Minister, she has said that government is working on a new bill on cryptocurrency which is going to take into account the changing dimensions in virtual currency space. तो यहाँ पे जो important bill है, important points हैं, तो वो है कि पहले तो bill का नाम क्या है. तो bill का नाम है the cryptocurrency and regulation of official digital currency bill 2021. What does it aims? It aims to ban the private cryptocurrency. Second, it allows RBI to have the central bank digital currency. The next is government appoints three member panel to review EWS quota. यहाँ पे EWS का है full form है economically weaker sections. So 103rd amendment was passed in the constitution which gave 10% reservation to economically weaker sections in higher educational institutions and government job. Now Supreme Court questioned that on what basis that rupees 8 lakh annual income limit have been based to identify the economically weaker section. So now
The Ministry of Social Justice and Empowerment has appointed a three-member committee to revisit the criteria for 10% reservation for economically weaker section in educational institutions and government jobs. The next is 6 lakh Indians have renounced their citizenship. तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बताया है कि 6 लाख इंडियंस ने पिछले 5 साल में अपनी इंडियन सिटीजनशिप को गिव अप कर दिया है। अगर हम बात करें इस साल का, तो सिर्फ इस साल टिल सितंबर 30th 1,11,218 इंडियंस हैव गिवन अप देयर सिटीजनशिप। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्या हो रहा है, तो यहाँ पे एक रिपोर्ट है। अकॉर्डिंग टू अ ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू रिपोर्ट In 2019, India came second only to China when it came to high net worth individuals leaving the country. So, India से जो लोग जा रहे हैं अपनी citizenship देकर, those are high net worth individuals. So, there is a statistics that up to 7,000 high net worth individuals have left the country in 2019. देन अगर हम बात करें 4 साल की, 2016 से 2020 तक की, देन 10,645 फॉरनर्स हैव अप्लाइड फॉर इंडियन सिटीजनशिप, जिसमें से 7,782 पाकिस्तान से हैं, 452 जो हैं वो स्टेटलेस हैं। उसके बाद मिनिस्ट्री ने एक क्लैरिफिकेशन दिया है कि जिन पर्सन्स को सिटीजनशिप चाहिए अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये तभी अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए जब ये रूल्स जो हैं उसके नोटिफाई कर दिए जाएं। सेकंड है कि गवर्नमेंट ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है टू प्रिपेयर द नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स। सो सिटीजनशिप रूल के तहत नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स होते हैं। सो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में जो होता है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द डेटा ऑफ दोज पर्सन्स हु आर द यूजुअल रेसिडेंट्स इन द कंट्री। यूजुअल रेसिडेंट्स मतलब जो 6 महीने से ज़्यादा रह रहे हों। पर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जो होता है, उसमें सिर्फ जो सिटीजन्स हैं उन्हीं का रिकॉर्ड होता है, बाकी उसमें जो यूजुअल रेसिडेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड नहीं होता है। यहाँ पे फॉरेन अफेयर्स में रशिया इट हैज़ अ रेड लाइन ऑन यूक्रेन सेज पुतिन। तो रशिया के प्रेसिडेंट जो हैं व्लादिमिर पुतिन, उन्होंने नाटो को वार्न किया है दैट दे शुड नॉट डिप्लॉय देयर ट्रूप्स एंड वेपन्स इन यूक्रेन एंड सेज दैट इट इज़ अ रेड लाइन फॉर रशिया एंड इट कैन ट्रिगर अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स। साथ ही साथ रशिया ने एक जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलप किया है, विच कैन फ्लाई एट 9 times द स्पीड ऑफ साउंड। मतलब अगर स्पीड ऑफ साउंड अगर अराउंड 340 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से हम लें, तो इट कैन ट्रेवल 9 times द 340 मीटर पर सेकेंड, और इसका जो रेंज है इट इज़ 1000 किलोमीटर। द नेक्स्ट इज पेंटागन रिव्यूज US पोस्चर टूवर्ड्स चाइना। तो पेंटागन जो है वो यूएस का टॉप डिफेंस ऑफिस है। सो यूएस मिलिट्री विल री इम्पोज डिप्लॉयमेंट एंड बेसिस डायरेक्टेड एट चाइना एंड रशिया, फर्स्ट थिंग। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दे आर गोइंग टू मेंटेन देयर फोर्स इन वेस्ट एशिया टू डिटर ईरान एंड जिहादिस्ट ग्रुप। सो द यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट इज अपग्रेडिंग एंड एक्सपांडिंग इट्स मिलिट्री फैसिलिटीज इन गुआम एंड ऑस्ट्रेलिया। जैसा कि हम जानते हैं कि द यूनाइटेड किंगडम, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया हैव ऑलरेडी फॉर्म्ड अ ट्राइलेटरल Security Alliance to counter the rising China. Now जो है खास ध्यान जो है इंडो पैसिफिक का है। तो अगर हम देखेंगे तो US का जो है प्रायोरिटी रीजन, इट इज़ द इंडो पैसिफिक रीजन। अब हम बात करते हैं कोर सेक्टर की। सो पहली बात तो कोर सेक्टर क्या होता है। कोर सेक्टर में हमारे 8 इम्पॉर्टेंट सेक्टर आते हैं। ये 8 इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स जो हैं हमारे, क्रूड ऑयल, कोल, then we have natural gas, then we have petroleum refinery products, then we have fertilizer, then we have electricity, then we have steel and cement. ये हमारे 8 core sectors होते हैं। ये हमारे जो 8 core sectors हैं, they account for 40.27% of the weight of index of industrial production. Okay, so index of industrial production में बाकी sectors भी cover होते हैं, पर उसमें 40.27% weightage 8 core sectors का होता है। अब अगर हम इस 8 कोर सेक्टर्स के आउटपुट की बात करें, तो अक्टूबर में इनका जो एक्सपांशन हुआ है 7.5% बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, कोल, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम देखेंगे कोल एंड सीमेंट प्रोडक्शन, तो ये ग्रो किया बाय 14.6% एंड 14.5%, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है इट हैज़ रोज बाय 2.8%, बट इट हैज़ फेल 0.8% फ्रॉम द प्रीसीडिंग मंथ। ये हम जानते हैं बिकॉज देर वॉज अ स्कैरसिटी ऑफ कोल
एंड द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हैज टेकन अ हिट, बट अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो इट इज 2.8%. उसके बाद ग्रोथ इन स्टील आउटपुट हैज स्लोड टू एन 11th मंथ लो ऑफ 0.9%. व्हाई? बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट देयर इज अ 22% कॉन्ट्रैक्शन इन ऑटोमोबाइल सेक्टर. Then natural gas and refining products, they have also posted expansion of 25.8% and 14.4% respectively due to a base effect. The next is कि हमने कल Reserve Bank का decision देखा था that Reserve Bank of India has overtaken the management of Reliance Capital Limited and it had appointed the administrator Nageshwara Rao Y, who is the former executive director of Bank of Maharashtra. And now advisory committee has been set up by RBI, which includes Sanjeev Nautiyal, then Srinivasan Vardarajan and Praveen P. Kadle. The next is the Ericsson Mobility Report. So Ericsson Mobility Report ne kaha hai ki fifth generation telecom services, jisko hum 5G bhi kehte hain, it is likely to account for 39% of mobile subscriptions or 500 million subscriptions in India at the end of 2027. बाद में ये रिपोर्ट कहता है कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्मार्टफोन सब्सक्रिप्शंस देखें सो इट इज 110 मिलियन एट द एंड ऑफ 2021 और फ्यूचर में ये इंक्रीज करेगा एट द कंपाउंडेड ग्रोथ रेट ऑफ 7% विच विल एक्सीड 1.2 बिलियन बाय 2027. अब हम आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को देखते हैं. सो द फर्स्ट इज प्रोटेक्ट डोंट पैंडर. तो यहाँ पे इशू को समझने से पहले हम एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है इन एस रंगराजन एक्सेट्रा वर्सेस पी जगजीवन राम 1989. यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है दैट सप्रेसिंग फ्री स्पीच इन रिस्पॉन्स टू अ थ्रेट ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट विल लीड टू टेंटामाउंट टू निगेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ एंड अ सरेंडर टू ब्लैकमेल एंड इंटीमिडिएशन. मतलब कि किसी के फ्री स्पीच को अगर हम सप्रेस करते हैं इस डर से कि अगर उसने कुछ बोला तो देयर विल बी डिमॉन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट बाय अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, देन दिस सिचुएशन वायलेट्स द रूल ऑफ लॉ. ओके, एंड सरेंडर ऑफ रूल ऑफ लॉ टू ब्लैकमेल एंड इंटीमिडिएशन. अब हम इस इशू पे आते हैं अबाउट द इशू ऑफ मुनव्वर फारूकी वेयर he was asked not to hold his stand up comedy in Bengaluru. The police asked the organizers to put off a show that in a fear of law and order problem and there was a chance that some people they would protest against whatever he would say. The next is about the small grant but a big opportunity for local bodies. So yahan pe health ko leke local bodies ka kya critical role hai hamare country mein uske bare mein discussion hua hai. तो इसको हम बैकग्राउंड को देखते हैं कि नवंबर 2021 में अबाउट रुपीज 8,453.92 करोड़ वाज गिवन टू 19 स्टेट्स एंड दिस इज हेल्थ ग्रांट टू रूरल एंड अर्बन लोक बॉडीज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ठीक है, नाउ इसको क्यों दिया गया है. सो सी द एम, द ग्रांट इज ईयरमार्क टू प्लग आइडेंटिफाइड गैप्स इन द प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एंड अर्बन सेटिंग्स. नाउ अगर इसका हम सिग्निफिकेंस देखें तो द एलोकेशन इज स्मॉल बाई सम कंपेरिजन. अगर हम बात करें तो जो टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर है इंडिया में बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट उसका ये सिर्फ 2.3% है और जो एनुअल गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर है उसका ये सिर्फ 5.7% है. बट स्टिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं. 1992 में टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वॉज पास्ड, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स दैट एस्टेब्लिश्ड लोकल बॉडीज इन रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज और जो हेल्थ केयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इट वॉज ट्रांसफर्ड टू दैम. ओके, सो ओवर ईयर वॉट हैपन डेट द रूरल सेटिंग्स दे कंटिन्यू टू रिसीव फंडिंग फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज अंडर द नेशनल प्रोग्राम्स लाइक नेशनल रूरल हेल्थ मिशन. ओके, बट अगर हम बात करें अर्बन हेल्थ सर्विसेज की देन इट हैज़ सफर्ड अ लॉट. सो व्हाई इट हैज़ सफर्ड अ लॉट, पहला तो ये था कि जो फंड्स हैं वो प्रॉपरली चैनल नहीं हो पाए थ्रू द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स एंड जो अर्बन लोकल बॉडीज थी उन्होंने भी अपना एक्सपेंडिचर को बढ़ाया नहीं, उन्होंने अपने एलोकेशन को बढ़ाया नहीं इन द हेल्थ सेक्टर. तो एक तो इनके पास फंड की कमी थी एंड सेकेंड वॉज
देर वॉज मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट भी है, अर्बन लोकल बॉडीज भी है, बट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ सर्विस को प्रोवाइड करना, दैट वॉज नॉट क्लियर. सेकेंड वॉज दैट 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को लॉन्च किया गया टू इंक्रीज द एक्सेस टू प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया. ओके, बट अगर हम नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन का परफॉर्मेंस देखें, सो इट डिड नॉट चेंज द लैंडस्केप इन द अर्बन एरिया, और उनका जो फंडिंग था वो बहुत कम था. उसके बाद अगर हम दोनों की बात करें, अर्बन रूरल बॉडीज एंड रूरल लोकल बॉडीज की, तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं सिर्फ 1.3% ऑफ द एनुअल टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर इन इंडिया. अगर हम सिर्फ अर्बन लोकल बॉडीज़ की करें, सो मोस्ट ऑफ द लोकल बॉडीज दे आर स्पेंडिंग लेस देन 1% to 3%. और ये जो इनका जो बजट होता है हेल्थ के लिए, वो जो उनका जो नॉर्मल अगर आप देखेंगे बजट फॉर इंस्टॉलेशन एंड रिपेयर ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, उससे बहुत कम होता है. ओके, तो अगर हम देखेंगे कि अगर हम अर्बन इंडिया को कंपेयर करें, सो द प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी इज 1/6 ऑफ वॉट इज देयर इन रूरल एरिया. नाउ देर आर सर्टन स्टेप्स जो हमें फॉलो करना पड़ेगा टू इंक्रीज द एक्सेस टू प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन अर्बन एरिया. पहला तो ये है कि सेंसिटाइजेशन ऑफ की स्टेक होल्डर्स इन लोकल बॉडीज एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटर दैट वॉट रोल दे हैव इन द डिलीवरी ऑफ प्राइमरी केयर एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज. सेकेंड है कि अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स अबाउट द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लोकल बॉडीज इन हेल्थ केयर सर्विसेज. ओके, इट मीन्स कि वी हैव टू एम्पावर द पीपल टू डिमांड द हेल्थ केयर सर्विसेज फ्रॉम अर्बन लोकल बॉडीज. देन थर्ड है कि सिविल सोसाइटी को हमें रोप इन करना पड़ेगा, बिकॉज दे कैन प्ले अ ग्रेटर रोल इन रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन हेल्थ फैसिलिटीज. फोर्थ है कि फाइनेंस कमीशन ने जो ग्रांट दिया है, इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर हेल्थ स्पेंडिंग बाई लोकल बॉडीज. लोकल बॉडीज पहले जितना इन्वेस्ट करते थे उन्हें उतना करना चाहिए. जो ये एडिशनल फंड आया है 15th कमीशन की वजह से, उसे हमें फैसिलिटी को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए. द नेक्स्ट इज अबाउट द बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग द मल्टीपल एजेंसीज विच आर वर्किंग इन रूरल एंड अर्बन एरियाज इन हेल्थ सेक्टर. देन जो लोकल बॉडीज हैं दे रिमेन अ हेल्थ ग्रीन फील्ड एरियाज. सो जो यंग एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं विच रन द रूरल अर्बन एंड अर्बन लोकल बॉडीज, ओके, दे शुड नीड टू डेवलप इनोवेटिव हेल्थ मॉडल्स. द नेक्स्ट इज अबाउट द कंट्रोलिंग द क्रिप्टो रिजिम. सो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया गया है कि एलॉन मस्क जो हैं, ही इज द रियल क्रिप्टो पाइपर. जैसे हम बैग पाइपर कहते हैं वैसे क्रिप्टो पाइपर, मतलब ये जो बोलेंगे उसी के हिसाब से क्रिप्टो करेंसी का डांस होगा. ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिप्टो प्राइस शॉट अप व्हेन टेस्ला अनाउंस्ड दैट इट हैज इन्वेस्टेड $1.5 billion इन बिटकॉइन एंड व्हेन मिस्टर मस्क सेड दैट टेस्ला वुड एक्सेप्ट बिटकॉइन एज अ पेमेंट फॉर हिज इलेक्ट्रिक कार, दे स्लम्प्ड व्हेन ही रिवर्स्ड दैट डिसीजन एंड ट्वीटेड दैट बिटकॉइन प्राइसेस सीम हाई. ओके, यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, सो देर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द क्रिप्टो करेंसीज. तो अगर हम क्रिप्टो करेंसीज को देखेंगे, तो पहला तो ये है कि दे आर द डिसेंट्रलाइज्ड एसेट्स जिनके ऊपर सेंट्रल बैंक का कोई कंट्रोल नहीं है, एंड बिकॉज सेंट्रल बैंक डज नॉट हैव कंट्रोल, सो क्रिप्टो करेंसीज आर द वेरी बेस्ट बैट फॉर हवाला. ठीक है, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी से एसोसिएटेड दूसरा प्रॉब्लम है एनोनिमिटी एंड प्राइवेसी, कि कौन ट्रांसफ़र कर रहा है, किसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा है, ये हम पता नहीं लगा सकते. सो दिस कैन गिव राइज टू मनी लॉन्ड्रिंग. देन क्रिप्टोस दे हैव बिकम द प्रेफर्ड पेमेंट सिस्टम फॉर हैकर्स इन रैनसमवेयर अटैक्स. अब हम देखते हैं कि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या. तो देर आर टू एक्सट्रीम. एक एक्सट्रीम पे चाइना जैसी कंट्री है जो क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर रही है. एक एंड पे एल सल्वाडोर जैसी कंट्री है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना दिया है, और वो एक नई सिटी डेवलप कर रही है बिटकॉइन सिटी, जिसको फंड किया जाएगा थ्रू दी बिटकॉइन बैक्ड बॉन्ड. उसके बाद अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की हम बात करें, तो उन्होंने कहा है कि बिटकॉइन शुड नॉट बी यूज्ड एज लीगल टेंडर इन एल सल्वाडोर, एंड दे हैव अर्ज्ड द एल सल्वाडोर टू स्ट्रेंथन देयर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ न्यूली एस्टेब्लिश्ड पेमेंट इकोसिस्टम. अब हम थर्ड केस पे आते हैं जो कहीं बीच में आते हैं. दोज आर यूके, यूएस एंड मोस्ट अदर कंट्रीज. ये क्या करते हैं कि ये ट्राई करते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए. अब इंडिया में क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल आने वाला है. ये प्रोहिबिट करेगा सारे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को,
सर्टन एक्सेप्शंस टू प्रमोट द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी एंड इट्स यूजेस, उसको ये एंकरेज करेगा। साथ साथ में ये एक फ्रेमवर्क तैयार करेगा फॉर द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी टू बी इशूड बाई दी RBI। यहाँ पे लास्ट में द ऑथर इज सेइंग कि एक रेगुलेटेड मार्केट जो है वो इलीगल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल में ला सकता है कुछ एक्सटेंट तक। जो इन्वेस्टर्स हैं दे विल कंप्लाई विद द रूल्स एंड सब्सटेंशियल मनी वी कैन गेन बाय टैक्सिंग द ट्रांजैक्शन इन क्रिप्टो करेंसी। बट क्या ये पॉसिबल है कि हम हवाला, ड्रग और टेरर फंडिंग को रोक सकें बाय क्रिप्टो, विच विल हैपन थ्रू क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस बाय मेकिंग सच रेगुलेशंस? तो अगर हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अगर स्पीच को सुने रिसेंटली, तो उन्होंने अर्ज किया है सारे यूथ को कि वो क्रिप्टो करेंसी के ट्रैक में न पड़े। द नेक्स्ट इज इन्फोग्राफिक। सो द रिपोर्ट हैज कम विच इज शोइंग दैट देयर इज अ शार्प राइज इन डेथ बाय सुसाइड इन 2020। तो अगर हम 2020 में देखें तो डेथ जो है बाय सुसाइड इज 53 ईयर हाई इन एब्सोल्यूट टर्म्स। ओके, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड रिपोर्ट। उसके बाद हम देखें कि कौन से ग्रुप है वो जो ज़्यादा सुसाइड कर रही है, तो डेली वेज अर्नर्स, होम मेकर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, दे अकाउंटेड फॉर अबाउट 50% ऑफ द रिकॉर्डेड डेथ लास्ट ईयर। अगर हम स्टेट्स की बात करें तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश, दीज आर द स्टेट्स विच हैव रिकॉर्डेड द हाइस्ट डेथ बाई सुसाइड इन 2020। द नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ डेली वेज अर्नर्स हु हैव डाइड बाई सुसाइड, इट इज़ वेरी हाई, विच इज 15.7% हायर देन 2019। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो इट हैज़ इंक्रीज बाई 21.2% इन 2020 कम्पेयर टू 2019। द नेक्स्ट इज अगर हम डेथ बाई सुसाइड पर 1 लाख पॉपुलेशन देखें तो उसमें छत्तीसगढ़, केरला एंड तमिलनाडु they have recorded the highest death. So that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice day. Take care. Thank you.